एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एसएससी जेई CBD 2 की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये हर एग्जाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है तो हर एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है। आज हम डिफरेंट AE में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने लास्ट लेक्चर्स के क्वेश्चन नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज हम अपने। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड है, जिसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है कि विच ऑफ दिस अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में फाइंड करना है तो बोल रहा है कि द रेट ऑफ इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ऑन अ रोड इज। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का मतलब क्या है कि जब हमारी इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन कौन सी होती है, जिसमें हमारा जो दोनों टायर उस पर इक्वल रिएक्शन लग रहा हो। तो वो बोल रहा है कि जो रेट ऑफ हमारा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन है रोड का, वो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। तो हमें ये पता है E = V² / 127R, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब हम इस फॉर्मूले के थ्रू कर लेते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ व्हीकल वेलोसिटी, बिल्कुल करेक्ट बात है। आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही बात है। अगर रेडियस बढ़ेगी तो सुपर एलिवेशन कम हो जाएगा, तो इनवर्सली है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, गलत बात। अभी हमने देख लिया इनवर्सली है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा स्टेटमेंट वाला है, जिसमें बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेवमेंट। पेवमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो हमारे पास दो तरीके के पेवमेंट होते हैं, एक रिजिड पेवमेंट, एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट। तो उसी के बारे में बात हो रही है। तो वो बोल रहे हैं कि रिजिड पेवमेंट्स आर मोर सुटेबल देन फ्लेक्सिबल पेवमेंट। तो वो बोल रहे हैं कि रिजिड पेवमेंट जो है वो मोर सुटेबल है फ्लेक्सिबल पेवमेंट फॉर स्टेज कंस्ट्रक्शन। तो स्टेज कंस्ट्रक्शन के लिए हमारा रिजिड पेवमेंट मोर सुटेबल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, रिजिड पेवमेंट्स आर मोर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर वेरिएशन देन फ्लेक्सिबल पेवमेंट। बिल्कुल करेक्ट बात है। टेम्परेचर वेरिएशन हो या फिर हमारा जो हमारा फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, ये रिजिड पेवमेंट में ज्यादा देखने को मिलता है। स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं, इन अ फ्लेक्सिबल पेवमेंट एनी डिफॉर्मेशन इन द टॉप लेयर इज ट्रांसफर टू अंडर लेड लेयर। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है, वहां पर जो हमारा डिफॉर्मेशन है इन द टॉप लेयर इज ट्रांसफर्ड टू अंडर लेड लेयर। बट रिजिड पेवमेंट में क्या है, बट इन रिजिड पेवमेंट देयर इज अ बीम स्लैब एक्शन ड्यू टू एनी डिफॉर्मेशन। यहाँ पर बीम स्लैब एक्शन देखने को मिलता है ड्यू टू एनी डिफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हमारा लेयर हमारा ट्रांसफर होता है। तो बेसिकली सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम स्टेज कंस्ट्रक्शन की बात करते तो स्टेज कंस्ट्रक्शन में हमारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट ज्यादा सुटेबल है। स्टेज कंस्ट्रक्शन फ्लेक्सिबल पेवमेंट ज्यादा सुटेबल कंपैरिजन में। अब कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो हमारे फ्लेक्सिबल और रिजिड पेवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर फ्लेक्सिबल पेवमेंट की बात करते हैं, फ्लेक्सिबल पेवमेंट की बात करें तो रिजिड पेवमेंट और फ्लेक्सिबल पेवमेंट के डिफरेंस अपने फ्लेक्सिबल इधर फ्लेक्सिबल पेवमेंट लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं। पहला पॉइंट तो यही इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है उसमें हमारा जो टॉप से बॉटम लोड ट्रांसफर होता है वो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है। ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट रहता है, ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट, और फिर हमारा जो ट्रांसफर होता है लोड वो टॉप टू बॉटम होता है। ट्रांसफर टॉप टू बॉटम। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिजिड की अगर बात करें तो वो हमारा स्लैब ट्रांसफर होता है। अगर यहाँ रिजिड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा स्लैब एक्शन के थ्रू। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ देखने वेल, यहाँ पर हमारा रिजिड में हमारा जो है वो हाई फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ, यहाँ पर हमारा हाई फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करना चाहें तो जो हमारा जॉइंट्स होती हैं वो हमें कहाँ ज्यादा देखने को मिलेंगी, जॉइंट्स हमें रिजिड पेवमेंट में देखने को मिलेंगे, लेकिन फ्लेक्सिबल पेवमेंट में जॉइंट्स एब्सेंट है। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं। हाँ, जॉइंट्स हमारे एब्सेंट है, यहाँ पर जो जॉइंट्स हैं हमारे जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर वो प्रेजेंट है। जैसे कि हमारा अगर हम बात करें एक्सटेंशन जॉइंट देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देते हैं, तो यहाँ पर जॉइंट प्रेजेंट रहते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट
गया, कंस्ट्रक्शन जॉइंट हो गया, ये सब जॉइंट हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर लो जो है हमारी लो इनिशियल कॉस्ट है, पैसा ज़्यादा नहीं लगता है स्टार्टिंग में, लो इनिशियल कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ देखने तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हाई है, कॉस्ट हाई है। वेल वहीं पर अगर हम रिजिट की बात करते हैं, रिजिट की बात करते हैं, यहाँ पर हमारी इनिशियल कॉस्ट ही हाई है, स्लैब बन रही है, स्लैब लगती है, तो यहाँ पर बेसिकली इनिशियल कॉस्ट जो है वो हाई देखने को मिलेगी। और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट देखने को मिलेगी आपको, वो आपको देखने को मिलेगी लो, मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी लो है, यहाँ पर टाइम पे ही अच्छा खासा पैसा लगा दिया है। फिर अगर हम बात करते हैं तो जो डिफॉर्मेशन है, यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन है वो हमारा लेयर्स के फॉर्म में देखने को मिलता है, यहाँ पर हमारा स्लैब के फॉर्म में देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर जो इंक्लूड होता है, इस तरीके से हमारी स्लैब्स होती है, नीचे सबग्रेड होता है, आपको पता है ये सबसे नीचे हमारा सबग्रेड होता है। फिर अगर हम बात करते हैं, फिर हमारा सब बेस होता है, सब बेस देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें तो बेस कोर्स देखने को मिलता है, और फिर हमारा सबसे ऊपर देखने को मिलता है सरफेस, सबसे ऊपर हमारा देखने को। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपको सबग्रेड देखने को मिलेगा, फिर सब बेस हट जाता है, बेस कोर्स आ जाता है, सीधा देखने को मिलता है। सबग्रेड देखने के बाद आपको मिलेगा बेस कोर्स, और बेस कोर्स के बाद आपको कंक्रीट स्लैब, आपको स्लैब देखने, ये हमारा रिजिड पेवमेंट हो गया और ये हमारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ सेक्शन ऑफ हाईवे द स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप इज गिवन। तो हमें पता है स्पीड डेंसिटी रिलेशन जो होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, लीनियर होता है और हमारा नेगेटिव होता है। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक हमें स्पीड का डेंसिटी का रिलेशन दे रखा है। अगर हम डेंसिटी की बात करें, जिसको क्यू से शो करते हैं डेंसिटी, अब डेंसिटी का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर पर यूनिट लेंथ में कितनी व्हीकल्स हैं हमारे, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ में, यही बेसिकली हमारा डेंसिटी बताता है। तो अगर हमारी जो स्पीड है, स्पीड हमारी कब जीरो हो जाएगी, स्पीड कब जीरो हो जाएगी भाई, अगर आप कार चला रहे हो, अपनी कार चला रहे हो, तो स्पीड कब जीरो हो जाएगी, जब बहुत ज्यादा जैम हो, तो जैम डेंसिटी जब पीक पर होगा, जब जैम डेंसिटी अपने मैक्सिमम पे होगा तो स्पीड हमारी हो जाती है, जैम डेंसिटी मैक्सिमम पे होगा तो स्पीड हमारी जीरो हो जाती है। और हमारी मैक्सिमम स्पीड कब देखने को मिलेगी, मैक्सिमम स्पीड आपको कब देखने को मिलेगी, जब आपके पास बिल्कुल जैम ना हो और एकदम फ्री मीन स्पीड बोलते हैं जिसको, हमारी जो मैक्सिमम स्पीड है, जैसे हम फ्री मीन स्पीड, गाड़ी एकदम आ रही है और रुक भी नहीं रही, चलती जा रही है, जो कि बिल्कुल आइडियल कंडीशन है, लेकिन हाँ फ्री मीन स्पीड बोलते हैं, जब हमारी डेंसिटी कितनी हो, जीरो डेंसिटी देखने को मिले, तो जीरो डेंसिटी पे आपको फ्री मीन स्पीड देखने को मिलेगा। तो अब अगर हम बात करते हैं तो हमें अब निकालना है कैपेसिटी, निकालनी है बेसिकली इस सेक्शन पे। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास वैसे इसका फॉर्मूला हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है हमारा क्यू मैक्स का, जो क्यू मैक्स का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है, क्यू मैक्स का जो फॉर्मूला है, अगर हमने फ्री मीन स्पीड निकाल ली और जैम डेंसिटी निकाल ली, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हम उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो वी जो हमारा फ्री मीन स्पीड है डिवाइड बाय 2, और जो हमारा जो जैम डेंसिटी है उस पर डेंसिटी जो आ रही है उसको डिवाइड बाय 2, बस ये निकाल के हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो अगर अब हम इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमने पता कर लिया कि फ्री मीन स्पीड हमें कब मिलेगी, जब डेंसिटी जीरो होगी। तो इक्वेशन हमें गिवन है, इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, तो डेंसिटी अगर हमारी दे रखी है इक्वेशन, अगर डेंसिटी की बात करें तो वी इज इक्वल्स टू 80 माइनस में 2 बाय 3 के। देखो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उसको भी यूज करेंगे, पहले इस तरीके से कैसे करते हैं, तो के जे की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, के जे की वैल्यू के जे, जब मेरा के हमारा डेंसिटी जैम हो जाएगा, मतलब डेंसिटी जैम होने पे क्या हो जाएगा, जब के मेरा के जे हो जाएगा तो बेसिकली मेरी जो वी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मेरी को बिल्कुल भी स्पीड देखने को नहीं मिलेगी। तो इस कंडीशन में वी जीरो हो जाएगा, तो मेरा आप देखो यहाँ पर जीरो इज इक्वल्स टू 80 माइनस 2 बाय 3 और यहाँ हो जाएगा के जे। अब के जे करना है मुझे, तो इसको इधर भेज देते हैं, 2 बाय 3 इधर आ जाएगा, के जे इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 80 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 120। तो यहाँ से के जे निकल के आएगा मेरा 120। अब ये क्या है, व्हीकल है पर किलोमीटर में, अभी बताया था कि पर लेंथ में कितने व्हीकल है, ये के जे हो गया। वहीं पर अगर हम बात करते हैं
अगर हम बीएफ की बीएसएफ की बात करें, बीएसएफ की बात करें तो हमें पता है कि बीएसएफ क्या होता है, ये जो मेन हमारा के है, जो के अगर मेरा मैक्सिमम है तो के मेरा क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब बिल्कुल डेंसिटी ना हो तो मेरे ये मैक्सिमम देखने को मिलेगी, जो बी है मेरा वो मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो के को जीरो कर दो, इसका मतलब क्या है, वी मेरा 80 आ गया डायरेक्टली किलोमीटर पर आर। तो अब अगर तब क्यू मैक्स निकाल लेंगे, क्यू मैक्स की अगर हम बात करें, क्यू मैक्स निकाल लेंगे वो हो जाएगा हमारा बीएसएफ, बीएसएफ अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय के जे अपॉन टू। तो अगर हम बीएसएफ की बात करें वो हमारा 80 अपॉन टू है, और के जे की बात करें तो वो 120 अपॉन टू है, बस इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा मेरा 40, और फिर से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 20, तो हमारा आ जाएगा 240 यहाँ से 2240 व्हीकल पर आर। तो पर आर में हमारा इतना व्हीकल, हमें मैक्सिमम कैपेसिटी देखने को मिलेगी उस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा 2400 व्हीकल पर आर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका आंसर आ गया हमारा 2400 व्हीकल पर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व ऑन अ हिली एरिया इज, तो हमें रेडियस गिवन है 480, तो रेडियस हमें दे रखी है 480 मीटर। हमारा डिजाइन स्पीड हमें दे रखा है, वी हमें दे रखा है 70 किलोमीटर पर आर, 70 किलोमीटर पर आर हमें डिजाइन स्पीड दे रखा है। What will be the equilibrium सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन बोल रहा है इक्विलिब्रियम, तो सुपर एलिवेशन क्या होता है, जब इनर टायर बेसिकली अगर इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन लिखा है तो ये जो कंडीशन हमें कभी कभी नहीं देते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट एक एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन कब होता है, जब हम फ्रिक्शन को जीरो कर लेते हैं, हम देखते हैं कि जब सुपर एलिवेशन पूरा होगा लग रहा होगा तब हमें कितना रेडियस प्रोवाइड करना पड़ेगा, इतने रेडियस पर कितना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये कौन सी कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम जब हमारा आउटर और इनर पर इक्वल रिएक्शन या प्रेशर लग रहा हो। तो जब इनर व्हीकल पर और इनर व्हील पर और आउटर व्हील पर इक्वल फोर्स लग रहा हो, प्रेशर लग रहा हो, तो हम उसे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन कहते हैं। तो हमें ये इक्वेशन पता है, E इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर कैल से हमारे पास होगा, पर जितना आप चाहो उतना अपना जितना नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो उसको पहले सॉल्व करना चाहिए। तो वी स्क्वायर की बात करें तो हमारा 70 मल्टीप्लाई बाय 70 हो जाएगा, और 127 नीचे है और आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे जब कैलसी में तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलसी में, एक बार आंसर निकाल लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 0.08, जिसको अगर परसेंटेज में लिखना चाहे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8%। अब यहाँ पर आपको एक, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि जब प्लेन टेरेन होता है तो हमारा कितना सुपर एलिवेशन अलाउड होता है, और अगर जब हमारा हाईवे या फिर हिली टेरेन होता है जो कि स्नो से बाउंड नहीं है तब हमें कितना मैक्सिमम सुपर एलिवेशन देखने को मिलता है, तो ये दोनों आपको बताना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हिली एरिया की बात हो रही है तो 10% से कम ही है, तो हम इसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे, ये भी आपको चेक करना है। तो ये प्लेन टेरेन में कितना है आपको बताना है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्लेन टेरेन में कितना सुपर एलिवेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द क्यूमुलेटिव वर्टिकल अंडुलेशन एट द सर्फेस ऑफ द सर्फेस रिकॉर्डेड पर किलोमीटर। तो जो हमारा रोड होता है, रोड सरफेस पे हमें थोड़े थोड़े से गड्ढे या फिर अंड्यूलेशन देखने को मिलते हैं, तो ये जो नीचे गड्ढे हो गए या फिर अंड्यूलेशन मिला, तो ये जो वर्टिकल अंड्यूलेशन देखने को मिलते हैं हमारे सरफेस पर किलोमीटर के हिसाब से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं बेसिकली, तो उसे क्या कहा जाता है। तो आपको इसका फॉर्मूला भी बताना है, और अगर हम इसे इसकी बात करें कि इसे क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है अन ईवन इंडेक्स। अगर इसकी बात करें इसे कहा जाता है हमारा अन ईवन एस एक्स। तो इसके बेसिस पे हम ये बताते हैं हमारी जो रोड है वो कंसीडर की जाएगी, गुड कंसीडर की जाएगी या फिर बैड कंसीडर की जाएगी या वर्स्ट कंसीडर की जाएगी। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक कंडीशन होती है, फॉर्मूला आप लोगों को बताना है। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं, एक कंडीशन होती है जिसमें हम बोलते हैं कि 1500 mm पर किलोमीटर, मतलब एक किलोमीटर में आपको 1500 mm के अनड्यूलेशन देखने को मिल रहे हैं, अनइवन इंडेक्स है जो, तो इसको बोला जाता है गुड। अगर हम इसको सेंटीमीटर में करना चाहें तो वो 150 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा गुड। लेकिन अगर वहीं पे आपको 2500 mm पर किलोमीटर में देखने को मिल रहा है, 2500 mm पर किलोमीटर आपको देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सेटिस्फैक्ट्री की, मतलब ठीक है हम सेटिस्फाई हैं, कुछ तो नहीं है इस रोड से पर ये सेटिस्फैक्ट्री है। फिर वहीं पर अगर हम बात करते हैं यहाँ हो जाएगा 3200 पर किलोमीटर हो जाएगा अगर, तो इसको बोला जाता है मतलब हमारा अनकंफर्टेबल कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी हमारी,
अनकंफर्ट हो जाएगा, हमारे अनकंफर्टेबल कंडीशन हो जाती है। तो ये तो वैल्यू हो गई हमारे अनइवननेस की, जो हमारा वर्टिकल अनडुलेशन होता है पर किलोमीटर के बेसिस पे हम जो बताते हैं उसको बोला जाता है अनइवननेस इंडेक्स। अभी आगे भी हाईवे के क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, तो पार्ट टू बस आज ही आएगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। वेल अगर हम बात करें ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि इनोस्कोप इज यूज टू फाइंड, तो इनोस्कोप जो होता है हमारा वो क्या फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, ओवरऑल स्पीड, रनिंग स्पीड, स्पॉट स्पीड या फिर टाइम मीन स्पीड, ये आपको आंसर बताना है। कॉमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।